इसी तरह मंदिरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्पकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए और रथ को खींचने के लिए उसमें 7 जोड़े जुते हुए घोड़े लगे हैं। सूर्य देवता के रथ के आकार में बने कोणार्क के इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, साथ ही इन पर उत्तम नक्काशी भी की गई है। ऐसा शानदार मंदिर विश्व में शायद ही कहीं हो, इसीलिए इसे देखने के लिए दुनिया भर में पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ की सूर्य प्रतिमा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखी गई है और अब यहाँ कोई भी देव मूर्ति नहीं है। सूर्य मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है। सूर्य, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं, पूर्व दिशा की ओर जुते हुए मंदिरों के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक हैं। 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। वही इसमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर की प्रतीक स्वरूप है। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थरों का कई विषयों और दृश्यों पर मूर्तियां बनाई गई है। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों पर सैन्य बल की सफलता का जश्न मनाने के लिए राजा ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के टावर में स्थित 2 शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली आभा मंडल हैं, शक्ति पुंज हैं। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने लूटपाट मचा दी थी, तब सूर्य मंदिर के पुजारियों ने यहां स्थापित सूर्य देवता की मूर्ति को पुरी में ले जाकर सुरक्षित रख दिया था, लेकिन पूरा मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होने लगी और यह पूरी तरह रेत से ढक गया था। 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए रेस्टोरेंट में सूर्य मंदिर खोजा गया। पुराने समय में समुद्र तट से गुजरने वाली यूरोपीय नाविक मंदिर के टावर की सहायता से नेविगेशन करते थे, लेकिन यहां चट्टानों से टकराकर कई जहाज नष्ट होने लगे और इसीलिए इन नाविकों ने सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा नाम दे दिया गया। जहाज़ों की इन दुर्घटनाओं का कारण भी मंदिर के शक्तिशाली चुंबक को ही माना जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब